आर्क जीआईएस, अगर आप कहें कि आर्क जीआईएस फिल्म इंडस्ट्री में जैसे शाहरुख खान है बादशाह, आर्क जीआईएस जीआईएस का शाहरुख खान है, ये समझ लीजिए आप। तो आर्क जीआईएस जो सॉफ्टवेयर है, पहली चीज इसमें क्लाइंट भी है, सर्वर भी है, ऑनलाइन भी इसको चला सकते हो आप, डेस्कटॉप वर्जन भी है, जीआईएस सॉफ्टवेयर है सबसे बड़ी बात। और बनाया किसने है, मैंने जैसे कहा आपको कि एक गूगल कंपनी है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है, फेसबुक है सबसे बड़ी कंपनी है ना, ऐसे ही जीआईएस के मामले में इसरी सबसे बड़ी कंपनी है पूरे विश्व में, यही डिसाइड करती है। बल्कि आपको बताऊं, इसरी इतना पॉपुलर है, इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया है कि जो जीआईएस की डेफिनेशन इसरी ने दी है वो ज्यादा चलती है बनिस्बत की जीआईएस की एक्चुअल डेफिनेशन की। तो ये फायदे हैं आरजीआईएस के कि आप क्लाइंट सर्वर ऑनलाइन किसी तरीके भी से इसको यूज कर सकते हैं। पहली बार जब आर्क इन्फो, मतलब पहले जब आया था ना आरजीआईएस, इसका नाम नहीं था, पहली बार ये 1982 में आया, तो इसका नाम था आर्क इन्फो। ये एक कमांड लाइन बेस्ड, यानी कि जैसे हम डॉस में काम किया करते थे, विंडोज 98 में काम किया करते थे, उसके पहले डॉस था ना, कमांड लाइन बेस्ड, यानी कि आज जैसे आप लिनक्स यूनिक्स में काम करते हैं। अब आर्क इन्फो को आर्क जीआईएस डेस्कटॉप के साथ मर्ज कर दिया गया, पहली बार 1982 में आया आर्क इन्फो के नाम से, उसके बाद इस आर्क इन्फो को बाद में मर्ज मिला दिया गया आर्क जीआईएस डेस्कटॉप के साथ, और फाइनली ये सुपरसीड हो गया, यानी कि फाइनली आर्क जीआईएस का जो प्रो है 2015 में। और आप देखते हैं कि ये कंपनी इतनी एजाइल है कि नए नए वर्जन ये लाती रहती है, और मैं कहता हूं कि जीआईएस का ये एक सबसे कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, किसी भी जीआईएस जहां पढ़ाया जाता है, वहां आपको यही सिखाया जाएगा आरजीआईएस, ताकि आप आगे भी ये यूज करें, इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है।